ओके आज देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए एडजॉइंट क्या होता है. बेसिकली को फैक्टर मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा. को फैक्टर मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके जितने भी पोजीशन के को फैक्टर्स हैं, सपोज C11 इस पोजीशन का को फैक्टर, C12, C13, C21, C22, C23, मैंने क्या किया, हर पोजीशन के को फैक्टर्स को निकाल के उसको उसी जिस पोजीशन का वो को फैक्टर है उसको उसी पोजीशन पे लिख दिया. अब उसका मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया और इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया, है ना. ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, हम जो रोज हैं उसको कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं. माना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं वर्टिकल कर दूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं वर्टिकल कर दूंगा और इस लाइन को भी मैं तो ये जो मैट्रिक्स मिल गया इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. अगर ए इज एनी मैट्रिक्स, लेट्स से कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसी में मैं आपको कोफैक्टर एक बार फिर से बता दूंगा. व्हाट इज कोफैक्टर, तो लेट अस से हम कोई पहले एक सिंपल सा एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं. देखिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई 2x2 ऑफ 2x2 ऑफ ऑर्डर 2x2, देन एडजॉइंट ए, अगेन वही डेफिनेशन C11, C12, C21, C22, इसका ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज को हम या तो डैश लगा के लिखते हैं या तो टी लगा के लिखते हैं. ठीक है ना, तो मुझे करना क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं वर्टिकल करूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं वर्टिकल करूंगा. ठीक है, तो ये हो गया. और ये हमारा जो है एडजॉइंट ए आ गया, इसको मैं एडजॉइंट ए ऐसे लिखूंगा. अब देखिए इसमें सिर्फ ये दो को फैक्टर्स जो अपनी जगह बदल रहे हैं, ये दो को फैक्टर्स अपनी ही जगह पे हैं. अब इसमें कमाल क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. लेट अस सपोज आपको ए इज इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 एंड लेट्स से 4. ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, को फैक्टर्स निकालने हैं, C11, C12, C21, C22. ठीक है, अब C11 हम निकालते हैं. तो देखिए इसमें निकालना बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है 1, 1 है ना, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये मुझे याद रखना है. तो हमेशा हम रो को पहले लेते हैं, कॉलम को बाद में. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम 1, 1 पोजिशन बोलते हैं. तो को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो निकालना कैसे, हम ये लाइन और ये लाइन काट देंगे, जो बच जाएगा मैं उसको लिख दूंगा. इसी तरीके से 1, 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसके लिए इसका को फैक्टर निकालने के लिए मैंने ये लाइन कट कर दी, तो मेरे पास 2 बचा, उसको मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा. अच्छा, अब मुझे C21 निकालना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, 1 पोजिशन ये हो गई, तो मैं इसकी पूरी लाइन को जब कट करूंगा मेरे पास 3 बचेगा, मैं यहाँ 3 लिख दूंगा. ठीक है, अभी इसमें साइन भी लगाना है, मैंने अभी पूरा काम नहीं किया, मैं अभी आता हूँ उस बात पे भी. अच्छा, उसी तरीके से C22 हमें निकालना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विच इज दिस, तो इसकी पूरी लाइन को कट कर दूंगा, मुझे 1 मिलेगा. अब इतना करने के बाद मुझे करना क्या है कि देखिए ये जो भी मुझे मिलेगा प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी मिलेगा वो तो मुझे सॉल्व करना ही है. अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये 1, 1 इवन, 1 प्लस 1 इवन है कि ऑड है. अगर इवन है तो साइन एज इट इज रहने देंगे, अगर ऑड है तो हम साइन चेंज करेंगे. लाइक 2 प्लस 1 3, यहाँ पे साइन ऑड है तो क्योंकि पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कर दिया, अगर नेगेटिव मिलता तो मैं पॉजिटिव कर देता. 2 प्लस 1 3 अगेन ऑड, तो पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव कर देंगे. इवन तो हम
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव ही रहने देते। दिस वॉज वन बेसिक एग्जाम्पल। नाउ मुझे करना क्या है, एज पर रूल जॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया था 1, 2, 3 एंड 4, रैंडमली हमने एक ये मैट्रिक्स लिया था, तो इसका एडजॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा। अब देखिए मुझे C11 क्या मिला, मुझे क्या करना है, C11, C12, C21, C22 उसका डैश करना है। डैश करने से क्या होगा, समवॉट मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। इस वजह से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ध्यान रखिए कोफैक्टर्स आप निकाल, आप कोफैक्टर्स सॉल्व करो ऐसे हॉरिजॉन्टली, लेकिन नीचे लिखो उसको वर्टिकली। इससे क्या होगा, ये वैल्यूज आप एज इट इज यहाँ कॉपी कर दोगे, ठीक है ना। तो 4n-2, ठीक है, एंड 3n-1, और 3 नेगेटिव है। अच्छा ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखने वाली बात है, ये हमारा जो है जॉइंट निकल गया है। मैंने बेसिकली क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू पुट की है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता तो फिर मेरे को जो है वो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ता। मैंने डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। इसलिए मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में, आप सॉल्व ऐसे कीजिए हॉरिजॉन्टली, लेकिन उस वैल्यू को नोट डाउन ऐसे कीजिए वर्टिकली, मतलब C11, C12, C13। तो इससे क्या होगा कि आप इस वैल्यू को एज इट इज उठा के मैट्रिक्स में डालेंगे, आपको डायरेक्टली एडजॉइंट मिल जाएगा। हमें फिर उसको वो रो कॉलम इन सब को इंटरचेंज करने वाला वो जो काम है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे कमाल की बात है, देखिए जो डायगनल है, आपको मालूम है मैट्रिक्स में डायगनल हम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट इसी को कहते हैं, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट को हम डायगनल यहाँ पे नहीं कहेंगे। तो इस डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ अपनी जगह बदली और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। डायगनल एलिमेंट्स ने सिर्फ अपनी जगह बदली है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नॉन डायगनल जो एलिमेंट है 2x2 मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, उनके सिर्फ साइन चेंज हुए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान पे रखनी है। तो कभी भी अगर 2x2 का मैट्रिक्स मिले तो हम डायरेक्टली इस रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, डायगनल के एलिमेंट्स जो है वो चेंज कर दीजिए और जो दूसरे एलिमेंट है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट्स से हम इसको ए अज्यूम कर लेते हैं, आपको ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब आपको बोला फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है ना, इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इसमें पोजीशंस हैं हर करस्पॉन्डिंग पोजीशन की हम कोफैक्टर्स जो है निकाल लेंगे। तो मैं लिख लूँगा C11, C12, देखिए C11, C12 ये है लेकिन मैंने उसको क्या किया वर्टिकली लिखा, C13। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा C21, C22, C23, सिमिलरली C31, C32 एंड C33, ठीक है। ये मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, तो वन वन पोजीशन मतलब ये फर्स्ट रो है, दिस इज लेट्स से सेकेंड रो, इस ए को हटा देते हैं, एंड लेट्स से दिस इज थर्ड रो, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, मुझे उस एलिमेंट को कुछ भी नहीं करना है, मुझे इस एलिमेंट के साथ कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन मैं हटा दूंगा, ठीक है। ये पूरी लाइन मान लीजिए मैंने डिलीट कर दी, मेरे पास क्या बच गया 1-3 एंड 2-3, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1-3 एंड 2-3। ये डिटर्मिनेंट मुझे सॉल्व करना है। अब ये डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 × 3 is 3 एंड 2 × 3 is 6, माइनस का साइन है लेकिन नीचे से ऊपर माइनस होता है, तो माइनस और माइनस, या तो इसको ऐसे समझ लीजिए माइनस करना था मुझे, 2, 3 = -6 हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे भी आप समझ लीजिए 3 + 6 हो गया, एंड दैट इज 3 + 6 will be 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9, फाइन। अच्छा अब यहाँ पे मुझे देखना है, बिकॉज दिस 1-1 मतलब इवन है ना, इवन है तो इसका साइन मैं चेंज नहीं करूँगा। नाउ कमिंग टू 1-2, 1-2 मतलब ये है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो अब मुझे इसकी लाइन और इसकी लाइन को कट करना है, तो बेसिकली मेरे पास देखिए ये पूरी लाइन कट जाएगी और ये ऊपर वाली पूरी लाइन कट जाएगी, मेरे पास 2-1 - 3-3, ठीक है। तो 2-1 - 3 एंड 3, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 = 6,
थ्री वन्स आर थ्री, माइनस माइनस प्लस, और नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो सिक्स माइनस थ्री विल बी थ्री, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, थ्री मिल गया। अब मुझे करना क्या है, टू प्लस वन इज थ्री, ऑड ऑड है तो इसका जो भी साइन मुझे मिलेगा उसको मैं चेंज करूँगा, प्लस था तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड, है ना, वन थ्री, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसकी पूरी लाइन है ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैं हटा देता हूँ, तो मेरे पास टू वन एंड माइनस वन टू, है ना, क्या बच गया, टू वन माइनस वन एंड टू, ये डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। दिस इज बेसिकली कोफैक्टर, कोफैक्टर ऐसे निकाला जाता है, तो टू टू ज़ा फोर एंड माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, और क्योंकि नीचे से ऊपर किया मुझे एक माइनस और लगाना था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप फोर प्लस वन लिख सकते हैं, तो फोर प्लस वन विल बी फाइव, तो मैं इसको फाइव लिख लूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, थ्री प्लस वन फोर, इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसके साइन को मैं नहीं छेड़ूंगा। नाउ टू वन, है ना, टू मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं इसकी पूरी लाइन और ये पूरी लाइन हटा दूंगा, तो मेरे पास वन एंड वन बच गया, टू एंड थ्री बच गया, तो इसको मैं लिख लूँगा वन एंड वन, टू एंड थ्री, ठीक है। नाउ थ्री वन ज़ा थ्री, टू वन ज़ा टू विथ अ माइनस, थ्री माइनस टू इज वन, अब टू प्लस वन थ्री, ऑड नंबर, इसका साइन पॉजिटिव मिला, मैंने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव मिलता तो मैं पॉजिटिव कर देता। नाउ कमिंग टू टू एंड टू, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये पोजिशन है, मैं इसकी पूरी लाइन और ये पूरी लाइन कट कर देता हूँ, मेरे पास वन बच गया, वन बच गया, माइनस वन बच गया, थ्री बच गया, वन एंड वन, माइनस वन एंड थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, वन वन ज़ा वन, माइनस वन होगा बिकॉज यहाँ माइनस है और एक माइनस और लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस वन, यहाँ पे हमें फोर मिल जाएगा, टू प्लस टू इवन नंबर, तो इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ टू एंड थ्री पे हम चलते हैं, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसकी पूरी लाइन जब मैं हटाऊंगा तो मुझे वन एंड वन मिलेगा, माइनस वन एंड टू मिलेगा, वन एंड वन, माइनस वन एंड टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू एंड वन वन ज़ा वन, माइनस माइनस प्लस, ये मुझे मिल जाएगा थ्री, और टू प्लस थ्री ऑड नंबर है तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्री एंड वन, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसकी पूरी लाइन हटाऊंगा तो मुझे वन एंड वन, वन एंड माइनस थ्री, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वन एंड वन, वन एंड माइनस थ्री, सॉल्व करते हैं, थ्री वन ज़ा थ्री बट विथ अ माइनस साइन, वन वन ज़ा वन, माइनस, और माइनस थ्री माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस फोर, और थ्री प्लस वन इवन नंबर है, इसके साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसकी पूरी लाइन हटाऊंगा, तो वन एंड वन, टू एंड दिस इज माइनस थ्री, ठीक है ना, तो ये हमें वन एंड वन, टू एंड माइनस थ्री मिलेगा। नाउ इसको हम क्या करेंगे, वन इंटू थ्री विल बी थ्री विथ अ माइनस साइन, टू इंटू वन इज टू विथ अ माइनस साइन, ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू ये हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव हो गया। अब थ्री एंड टू ऑड नंबर, तो मतलब मुझे इसके साइन को चेंज करना है, माइनस है तो इसको हम प्लस बना देंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़। अच्छा, थ्री एंड थ्री ये लेते हैं, इसकी पूरी लाइन को हटा देंगे, वन एंड वन, वन टू एंड वन, ये हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन वन ज़ा वन एंड टू वन ज़ा टू, तो ये माइनस वन मिल जाएगा, तो ये हमें माइनस वन मिल गया। थ्री एंड थ्री इवन नंबर, फिक्स, तो इवन नंबर है तो साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए, ये एक मेथड था, इसमें ये जो साइन चेंजिंग, बस ये ध्यान रखना है, इवन नंबर साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑड नंबर साइन चेंज करेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम डिटर्मिनेंट बनाएं थ्री बाई थ्री का, बिकॉज ये थ्री बाई थ्री का क्वेश्चन है, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, अब ऑल्टरनेट साइन, माइनस एंड देन प्लस, देन अगेन प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए, ये सही अगर होगा तो इसमें डायगनल में आपको हमेशा सेम एलिमेंट्स मिलेंगे, कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन एक लाइन में आपको ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन मिलेंगे। अब इसको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर मुझे साइन चेंज नहीं करना है, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर साइन चेंज करना है,
या तो इस रूल को अप्लाई करो या तो ऑड इवन वाला रूल अप्लाई करो, दोनों एक साथ मत अप्लाई करना, ठीक है? ये हो गया। अब दिस इज वन ऑफ द मेथड। नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? अब देखिए रूल तो ये कहता है कि मुझे C11, C12, C13 है ना कोफैक्टर, फिर C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये मैट्रिक्स निकालना और इसका ट्रांसपोज करना है। अब देखिए जब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो होगा क्या कि जैसे कि पहले भी बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल हो जाएगी। इसलिए हमने पहले से ही क्या किया कि जो हमने कोफैक्टर्स निकाले, हमने सॉल्व ऐसे किया लेकिन उसको नोट डाउन ऐसे किया। इससे क्या होगा कि मैं डायरेक्टली ये सारा करने के बजाय सीधा इसका आंसर लिख सकता हूँ, तो मुझे एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब इस इन नंबर्स को इसी ऑर्डर में आप कॉपी कर सकते हैं, एंड दैट इज मुझे ये मिला 9, यहाँ पे मिल गया -3, यहाँ पे मिल गया मुझे 5, यहाँ पे मुझे मिला था -1, यहाँ पे मुझे मिला था 4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे मेरे पास है 5 और यहाँ पे मेरे पास है -1। ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया। आगे हम देखेंगे एडजॉइंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस पे बेस्ड कई बार जो है एक वन मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या है, ये हमें कोई भी एक मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका इन्वर्स निकालता हूँ। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोफैक्टर 1 1, C12, C13, C21, 22 एंड लेट्स से C23, 31, 32, 33, ये हो गया। अब देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, इसको उड़ा देंगे, 2 into 0 इज 0, 6 1 is 6, तो -6 मुझे मिलेगा, ठीक है? तो ये -6 हो गया। अच्छा अब इसके बाद 1 2, तो हम ये लाइन हटा देंगे, 3 into 0 इज 0, 0 into 6 इज 0, ये 0 आ जाएगा, तो अब 0 को आगे प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो ये ऑड नंबर है लेकिन 0 को आगे प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम इसकी लाइन को हटा देंगे, तो 3 into 1 इज 3, 2 into 0 इज 0, तो 3 1 is 3, हमारे पास 3 बचा, एंड 3 plus 1 4, इवन नंबर, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये, तो इसकी पूरी लाइन को हटाएंगे, हमारे पास 4 into 0 0, 5 1 is 5 विद अ माइनस साइन, तो मुझे -5 मिलेगा, ठीक है -5 मिलेगा, लेकिन 2 plus 1 3 ऑड नंबर है, तो हम इसके साइन को चेंज कर देंगे। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड दैट वुड बी ये लाइन और ये लाइन हम हटा देंगे, 1 into 0 0, 5 into 0 0, तो ये मुझे टोटल 0 मिल गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम यानी कि ये, हम इसकी पूरी लाइन को हटाएंगे, 1 into 1 1, 4 into 0 0, तो बेसिकली मुझे 1 1 is 1 मिला, एंड 2 plus 3 5, ऑड नंबर, साइन चेंज कर देते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये, तो हम इसको लिख लेते हैं 4 6 are 24 एंड 5 2 are 10, तो ये हो जाएगा 14 14, हमने लिख लिया। नाउ 3 plus 1 is 4, इवन नंबर, तो हम इसको 14 ही रहने देते हैं। अच्छा 3 and 2, तो हम ये लाइन पूरा हटा देंगे, तो 6 1 are 6, 5 3 are 15, माइनस करेंगे, ये हमें 9 मिल जाएगा, माइनस का 9, 3 and 2 ऑड नंबर, तो माइनस का 9 प्लस का 9 बन जाएगा। 3 and 3 दिस लाइन, तो हमारे पास 2 1 are 2 हो गया एंड 3 4 are 12 हो गया, ठीक है माइनस करेंगे, ये आपको -10 मिलेगा, ठीक है एंड 3 and 3 इज इवन नंबर, तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, इस एडजॉइंट जो हमने एडजॉइंट निकाला है, आपने करना क्या है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
हमें जैसे कि मैंने आपको बताया 1 1 1 2 1 3 निकालते हम ऐसे हैं, लेकिन लिखना ऐसे ताकि आप इन वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर सको। ठीक है, 603 दिस इज 5 एंड 0 एंड नेगेटिव 1, दिस इज 14 एंड 9 एंड नेगेटिव 10। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना था, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। इसमें ये ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे अगर हमें लिखा हुआ है तो इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हम डिटर्मिनेंट a पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार लोग इसको मॉड a समझ लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट a है, इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, ठीक है, ये मॉड नहीं है। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हैं, मैं इस 1 को लिखूँगा, 1 की पूरी लाइन हटाऊँगा, 2 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6, ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में माइनस करूँगा, 4 लिखूँगा, 4 की पूरी लाइन हटाते हैं, 3 और 0 0 एंड 6 एंड 0 0। फिर उसके बाद मैं फिर से प्लस लिखूंगा, इस 5 को लिखूंगा, ब्रैकेट लिखूंगा, इस 5 की पूरी लाइन को हटाएंगे, 3 वन ज़ा 3 एंड 2 जीरो ज़ा 0। तो देखिए 1 इंटू माइनस 6, ये हमें माइनस 6 मिल जाएगा, 4 इंटू एनीथिंग 0, ये 0 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 3, 3 माइनस 0 3 बचेगा, तो 5 3 ज़ा 15, तो ये मुझे 9 मिल रहा है। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम 9 लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए मुझे मिल गया 9। तो सिंपल सी बात है कि जो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हमने लिखा है, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 9। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 है, और आई बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये 3x3 है मैट्रिक्स, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे 3x3 यानी कि 010001001001001001 ये हो गया। अब इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे 9 1 9 9 1 9 9 1 9 बस ये मिलेगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन 0। तो ये मुझे मिल जाएगा, दैट मीन्स ये जो a इंटू एडजॉइंट a हमने लिखा है यहाँ पे, ये मुझे 0 9 0 0 0 9 0 and 0 0 9 ये मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं a इंटू एडजॉइंट a पहले इसको निकालता हूँ। तो a मुझे यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, 2 1 5 6 and 0, दिस इज मैट्रिक्स a। एंड एडजॉइंट a, एडजॉइंट a मैंने निकाला 6 0 3 5 0 -1 14 9 and -10। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक साइड करके दिखा देता हूँ, आप दूसरा साइड, यानी कि मैंने अभी a इंटू एडजॉइंट a किया है, आप एडजॉइंट a इंटू a करके इस रिजल्ट को अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं ये मल्टीप्लीकेशन करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मुझे ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 4 5 है ना, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम सीधा जाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स में हम नीचे जाएंगे। तो 1 इज -6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -6 विल बी -6, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 0। अच्छा, 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ओके, नाउ फर्स्ट लाइन अब इस सेकेंड लाइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 into 5 एंड दैट विल बी 5, ठीक है। देन वी हैव अ प्लस 4 into 0 दैट विल बी 0, 5 into -1 एंड दैट विल बी 5, ठीक है।
नेक्स्ट ये जो फर्स्ट लाइन है ये थर्ड लाइन से 1 × 14 दैट इज 14, देन वी हैव 4 and 9, ये हो जाएगा 4 9 = 36, देन वी हैव 5 and 10, 5 10 = 50, नेगेटिव 50 मिल जाएगा। अच्छा ये फर्स्ट लाइन हो गया तीनों लाइन से, ठीक है। अब सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकेंड वर्टिकल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे तो 3, देखिए हमारे पास 3 है, 2 है, 6 है। इस 3 to 6 को हम एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। और फर्स्ट वर्टिकल लाइन मेरे पास क्या है, -6 है, 0 है, 3 है, सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 6 = 18, 2 0 = 0, 6 3 = 18, प्लस मिलेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, तो हम इसी फॉर्मेट को अपना लेते हैं। तो देखिए ये -18, 0 and 18, ये मुझे कितना मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा हम डायरेक्टली ऐसे करते जाते हैं तो -6 and 15 ये हो जाएगा हमारे पास 9, 5 - 5 and 0 ये हो जाएगा 0, एंड 14 and 36 ये हो गया 50, 50 - 50 ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये जो सेकेंड लाइन है, अब देखिए मैं इस 3 to 6 को एज इट इज रहने देता हूँ, बस यहाँ की वैल्यूज चेंज करनी है मुझे। फर्स्ट सेकेंड लाइन जो है फर्स्ट लाइन से हो चुका, अब सेकेंड लाइन से करते हैं, यानी कि 5 0 and -1, तो 3 5 = 15, 2 0 = 0, एंड 6 - 1 - 6, तो 15 - 6 ये मुझे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसके बाद मुझे सिर्फ इस नंबर को हटाना है, तो 3 2 and 6 ये एज इट इज रहेगा। अब थर्ड लाइन यानी कि 14 9 and 10 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × -10, ठीक है ना, -60, तो 42 50 60, 42 और 18 हो गए 60, 60 - 60 ये मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली कर लिया। अच्छा अब इसके बाद ये तीनों हो चुके हैं, तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अब थर्ड लाइन लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तो हम इस 0 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 0 को ऐसे लिखेंगे। अब इसकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी -6 0 and 3, 0 × 6 0 1 × 0 0 and 0 × 3 0, तो 0 0 0, यह हमें टोटल 0 मिल गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अच्छा अब यहाँ पे सेकेंड लाइन ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 and -1, 5 × 0 0 0 × 1 0 1 × -0 × -1 = 0, तो ये सारा मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इस लाइन को हम हटाते हैं, इसके साथ हम लास्ट लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 14 1 × 9 and 0 × -14, तो देखिए 0 × 14 0 1 × 9 = 9, एंड दिस इज अगेन 0, तो इसका टोटल मुझे कितना मिल जाएगा, अगेन 9 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, देखिए ये एग्जैक्टली क्या है, वही है जो हमने निकाला था। तो ये आपने देखा कि A × adjoint A मुझे क्या मिल रहा है, determinant A × i मिल रहा है, तो ये जो हमने रिजल्ट है वो वेरीफाई कर लिया, ठीक है।